हम मुटक्का से चले तो मुटक्का तक ही नेटवर्क आता है एयरटेल का, फिर उसके बाद वहाँ से नेटवर्क ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आप एमपी पूरा पार करते हैं, पहाड़ी घाटी फिर पहाड़ी झाड़ी पार करते हैं, फिर उसके बाद महाराष्ट्र आता है, उसकी भी फूल पहाड़ी झाड़ी पार करते हैं, फिर उसके बाद गुजरात आता है, फिर उसको पार करके जब गुजरात के हमें आगे जाते हैं तो गोरा कॉलोनी नाम की जगह थी, वहाँ तक आपका नेटवर्क नहीं चलता, वहाँ पे से सूल पहाड़ी झाड़ी ख़त्म हो जाती है, तो आप कह सकते हैं पूरी सूल पहाड़ी झाड़ी में नेटवर्क नहीं आता है। तो हमने पूरा सूल पहाड़ी रिकॉर्ड अच्छे से रिकॉर्ड की, वीडियो फरमाया, खूब पहाड़ मिले, खूब घाटियाँ मिली, नदियाँ मिली, बहुत सारे नदी नाले मिले, हमने कई जगह पार किए। और कहा जाता है कि बैग का पानी नर्मदा जी का जल होता है, उसे पार नहीं किया जाता, तो आप इस समय इस परिस्थितियों में तो ऐसा संभव नहीं है। आप जब आप चलते हो तो संकल्प करके चलते हो, उस संकल्प के आधार पे ही नियम बना के चलते हो। जो नियम होते हैं वो आपकी सुविधा के लिए होते हैं, ना कि आपके चलने में समस्या पैदा करने के लिए होती है। अगर आप कोई जल भरते हैं नर्मदा जी का जल गिलास में, तो वो गिलास का जल हो जाता है, मगर जब वो आप कोई भी जल नर्मदा जी में जाता है तो वो नर्मदा जी का जल होता है। जैसे कोई छोटी नदी है, नाला है, वो आप तब तक वो नदी नाला ही रहता है, मगर जैसे ही वो नर्मदा जी में जाता है तो नर्मदा जी का जल हो जाता है। और जैसे ही वो नर्मदा जी से आगे हटता है तो फिर वो जल हो जाता है, या जहाँ पहुँचता है वो। अब जैसे नर्मदा जी का बहुत सा जल नहर में जाता है, तो अब आप कहें अगर हम बैग का जल लांग नहीं सकते हैं, तो हमने लांगा तो नहीं है, हम नाव से ही गए, आप से लांगा कहें या जो भी कहें, तो अभी की परिस्थितियों में संभव नहीं है कि आप किनारे किनारे भी चलें और आप उनको पार करके ना चलें। सरकार ने सब जगह पे ऐसे गांव के किनारे जहाँ पे बैग का पानी भर गया है वो बोट लगा रखी है और अच्छी व्यवस्था कर रखी है, तो ऐसा संभव ही नहीं, क्योंकि वो उन्होंने पुल बना रखे हैं। आप अगर बोट से नहीं जाते तो पुल से तो जाएंगे ना, तो बात तो वही हो गई, लांगने की ही हो गई। तो आप बैग नाव से लांगे या पुल से लांगे, एक ही बात है। तो ऐसी बहुत सारी जगह आप मिलेंगी जहाँ पे आपको बैग का पानी के पुल बने होते हैं, उनको लांग उस पर से जाना पड़ता है। और अगर आप उससे चाहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं हो, हम बैग का पानी नहीं लांगे, तो आपको इतनी दूर का रास्ता मिलेगा कि आप नर्मदा जी के दर्शन भी नहीं कर सकते, मतलब आप फिर एकदम कट जाएंगे, सिर्फ रोड रोड जाएंगे, हाईवे हाईवे, तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता। तो हमने जो मानक बना रखा है वो नर्मदा जी के तट के जो आश्रम हैं उनको मानक बना रखा है, कि वहाँ तक के जो भी नर्मदा जी का जल है, नदी है, वो उसी के उसमें सहारे चलना है। और हम किनारे किनारे जा रहे हैं, तो किनारे किनारे जाने में जो नदी नालों में जल है उसे तो लांगना ही पड़ेगा, और सभी लांग के जाते हैं, मतलब आप वहाँ पे नहीं हैं इसलिए आपको नहीं पता, क्योंकि रास्ता ही नहीं है। कई जगह पुल पड़े हैं, हम पुल से गए हैं, पुल के नीचे नर्मदा जी का जल है, बैग का जल है, नर्मदा जी वहाँ से काफ़ी दूर है, तो बैग का जल वहाँ पे आया, और रास्ता ही नहीं, आप जा ही नहीं सकते। तो आप ये कहना गलत हो जाएगा कि हमने नर्मदा जी लांगा है या नहीं। नर्मदा जी को लांगने का मतलब तब होता है जब हम इस पार से उस पार जाएँ, मतलब नर्मदा जी के इस तट से उस तट जाए, दक्षिण से उत्तर या उत्तर से दक्षिण, और ऐसे नहीं माना जा सकता। तो और ये संकल्प जब हम शुरू करते हैं तब किया जाता है, हमने कोई संकल्प विकल्प नहीं किया, हमें सिर्फ मैया की परिक्रमा करनी है, और सभी लोग ऐसे ही करते हैं। अभी हम गुजरात में हैं, गोला कॉलोनी के आश्रम हरिधाम आश्रम में आ गए हैं, यहाँ पे नेटवर्क आया है। अब हम पीछे की सारी मुटक्का के आगे की सारी वीडियो यहाँ पे डालेंगे, आप देखेंगे आपको बहुत रोमांच आएगा, बहुत पहाड़ियाँ, ऊंची पहाड़ियाँ, रास्ते खतरनाक, रास्ते बहुत कुछ आपको मिलेगा और बहुत आनंद आएगा। आप पूरा वीडियो देखेंगे, बहुत आनंद आएगा। और हमने
एक जगह पे नर्मदा जी मानसिक अभिषेक भी रिकॉर्ड किया और शामिल भी हुए उस पूजा में, तो हमें देखा बड़ा आनंद आया, हमने उसे भी पूरा रिकॉर्ड किया। आप पहले नर्मदा जी के अभिषेक मानसिक अभिषेक का की पूजा का आनंद लें और उसके बाद सारे वीडियो का आनंद लें। और वीडियो कैसी हमने बड़ी मेहनत से बनाई है, बहुत मेहनत करके कैसी बनी है, आप उसे लाइक शेयर तो करें ही, सब्सक्राइब भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तक नर्मदा जी मैया के दर्शन भी हो, जो आश्रम पढ़ते हैं उनको देखकर आनंद लें, पुण्य कमाएँ, जो पैगंबर वासी जाते हैं या महात्मा मिलते हैं उनको भी देखकर दर्शन का लाभ लें। तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट से हमें मालूम चलता है कि क्या कमी है, क्या दोष है, क्या सही है, क्या गलत है, हम उसी हिसाब से वो कहते हैं। मैं पूरी कोशिश करता हूँ सभी के उत्तर देने के लिए। जो नर्मदे हर कहता है उसके कमेंट में लाइक ज़रूर करता हूँ। जो कोई कुछ पूछता है तो अपनी बुद्धि अनुसार उसका उत्तर जरूर देता हूँ, पूरी कोशिश करता हूँ कि उसे ऐसा कि वो संतुष्ट हो सके। पर आप कमेंट करते हैं उससे हमारा हौसला बढ़ता है, हमें मालूम चलता है कि क्या सही हो रहा है क्या गलत, उसी हिसाब से हम एडजस्ट करते हैं। इसलिए कमेंट जरूर करें। नर्मदे है। हो गए। हरि ओम ओम पवित्र पवित्र वासर्वाम सामगत विवाह सदमंडलिकाक्षम समयं गंत्रम चिहे सर्वम श्रीमंडलिकाक्ष पुनादुः ओम पवित्रेस्तो वैष्णवयो सवितुर्वः सुत्वन्नाम चित्रेण सूर्यज सृजिमिः तस्यते पवित्रपदे पवित्रपूतसिद्गामः पुनीतच्छकेयाम् ओम सुसिनेन्द्रो दशवः सुजनः पूका विश्ववेदाः सुजनस्तारिषोऋषनेमि सुजनम् रस्वदृदादु श्रीष्ठदे लक्ष्मीज्वन्याहो रात्रि पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमशिनो व्यक्तमश्निकान मम्मयिकान सर्वलोकमयिकानः अथो श्रोत्राचम्य ओम केशवाय नमः स्वाहा, ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णुवे नमः, वसुंधराय नमः, त्रिविक्रमाय नमः, वामनाय नमः, शरदाय नमः, श्रीकेशाय नमः, पद्मनाभाय नमः, दामोदराय नमः, गंगेशाय नमः, वासुदेवाय नमः, अनंतनाय नमः, वशुद्धाय नमः, मधुशाय नमः, नाशवाय नमः, अच्युताय नमः, जनार्दनाय नमः, बिंद्राय नमः, हरे नमः, श्री कृष्ण परमात्मने नमः। ओम प्रणमस्य परपुरुषीं परमात्मां देवी गायत्री छन्दः सर्वेषां प्राणायामे विनियोगः। ओम अपोज्यति मृतम रुदम ब्रह्म भुर्व स्वरम हस्तम प्रक्षाल्य ओम अपवित्र पवित्र वासुर्वाम सम बुद्धि विवास पुंडरी काक्षम सवैया भंत्रम चुचि सर्वम चुचि पुंडरी काक्ष पुरादु अथ ध्यानम हरि ओम निर्विघ्नमस्तु सुमुखैश्च ग्रंतश्च कपिलोक चिकनकाः लंबोदरश्च विग्रो विघ्नना शोकनादिपः धूमृगतना दक्षो भालचंद्रोग जाननाः द्वादशतानि नामानि परिच्छिन्नद्वि विद्यारम्भ विवाहे च प्रवेशे निर्गमे सदा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्य सृजायति शुक्लाम्बरं धरं देवं शशिवारणं चतुर्भुजं तदन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते अभिसृत्ता सिद्धतां पूजितो यसुरसुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै शिखनाधिपते नमः सर्वमङ्गलमङ्गल्ये शिवे सर्वासादिके षण्यन्त्रं विगे गौरे नारायणे नमोऽस्ते सर्वदा सर्वकार्येषु नासि देशावमङ्गलं येषामृत भगवान् मङ्गलायतनोरि तदेव लग्नं सुधीन्द्रेव तारावलं चन्द्रबलं तदेव विद्यावलं देवन्तदेव लक्ष्मीवदेन्द्रामि लाभस्तेषां जयस्तेषां कुलस्तेषां पराजयाः येषामिन्दुर्दश्यामो हृदयस्थो जनादनः विनायकं गुरुं भानु ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वती प्रणम्यादो सर्वकार्यार्थसिद्धये आपदां हर्तारं दातारं सर्वदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यम् अनन्या चिन्तयन्तु मां योजनापरिपासे येषां रिक्तावृत्तानां योगं क्षेमं वहाम्यहम् ओं तदुषाजमहे मेककन्याय धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात् हरि ओम गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरु देव ओमेश्वरान् गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः ओम लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः ओम उमामहेश्वराभ्यां नमः ओम शचीपुत्राभ्यां नमः ओम वाणीहिरण्यगर्भाभ्यां नमः ओम माताभ्यो नमः ओम इष्टदेवताभि नमः ओम कुलदेवताभि नमः ओम ग्रामदेवताभि नमः ओम स्थानदेवताभि नमः ओम वासुदेवताभि नमः ओम एतस्य प्रदानदेवताभि नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः।
ओम विष्णु 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 अथ संकल्प ओम विष्णु 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 आदिशिवत महापुरुष विष्णुराण्य प्रतमान सिद्ध प्रमाणादि श्रीशतकल वसंति अष्टाचने कलियुगे कलचन्ने भरतवर्षे नर्मदाखंडे श्री शालिमाजे कौमारिकंडे बुद्धौदारे श्रीरामक्षत्रे अस्मिन् वर्तमाने शारवरीनाम संवत्सरेना उत्तरायणे हेमंत्रमासमासे भावंगल्यमासे पौषमासे श्वेशुक्लपक्षे अद्य द्वादशायां तिथुः अद्य सवासरवासराः वासरस्य सोमवासरे अद्य नक्षत्रञ्च मृगदिवसे नक्षत्रे कृष्णयोगे विष्णुकरणे मिथुन चतवान ही चंद्रे मकर चतवान ही सूर्ये धनु चतवान देवराज ग्रहेषु यथा यथा राजस्थानानेषु स्वस्तु वर्तमान एवं गुण विशेषण विशिष्टायां शुभ पुण्यतिथो अंगिरस शन्य गार्गयति इति त्रिपर्वरान्वित गार्ग्य गोत्र उत्पन्नः शुक्ल यजुर्वेदी मध्यान्दिनी शाख्यानि अंतर्गत देवेन्द्र उरुभवे शर्मणः शर्मः आचरितस्य आचार्य मानस्य मम आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त पुण्यफल प्राप्ति अर्थम् अस्माकम् सह कुटुम्बानां सह परिवाराणां क्षेम स्थैर्य धैर्य आयुः आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अर्थम् द्विपद चतुष्पद सहितम् धर्म अर्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थ आदिदैविक आदिभौतिक आध्यात्मिक त्रिविध ताप उपशमन अर्थम आदित्यादि नवग्रह देवता अनुकूलता सिद्धि द्वारा इंद्रादि दशदिप्पाल देवता प्रसन्नार्थ कुलस्वामिनी श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती त्रिगुणात्मिका त्रिपुरसुंदरी राजराजेश्वरी माहुर्गढ़ निवासिनी श्री रेणुका जगदम्बा विशेष कृपा प्रसाद प्राप्त्यर्थ तथा च कुलदेवत ब्रह्म परब्रह्म हरिहरात्मक दत्तात्रेय गुरुदत्त देवता विशेष कृपाभिलाषा सिद्धि द्वारा मम इष्ट देवता लक्ष्मी वेंकटेश्वर कृपा प्रसाद प्राप्ति हेतवे नर्मदा पथ परिक्रमा अंगभूत मेकलसुता रेवा कृपा प्रसाद प्राप्ति द्वारा उत्तर तटे जप तप अनुष्ठान परिक्रमा वासियानां भक्तानां सेवा स्थान सिद्धि हेतवे तथा च नर्मदा देवा कृपा प्रसाद सिद्धि द्वारा मम समस्त पातक निरसन द्वारा गृहे जीवने शुभफल प्राप्त्यर्थं नर्मदा पथ परिक्रमा अंगभूत पथ परिक्रमा कार्ये निर्विघ्नता सिद्ध्यर्थं अद्य दिनेन्नी नर्मदा मानसोपचार अभिषेक पूजन अहम करिष्ये हरि ओम मा तरंग मादम आगम स्मरण पूजन च करिष्ये हरि ओम मा गणानंद्वा गणपति गवामहे हरियानन्त्वा प्रियपति गवामहे निधेरन्त्वा निधिपति गवामहे वसव मम आह जानी गर्भदमात्मजासीकृतं श्रीमन् महागणाधिपति नमः ध्यायामि ध्यानार्थे आवाहनार्थे अक्षतां समर्पयामि उम्रस्वा महागणाधिपति नमः आवाहयामि आवाहनार्थे अक्षतां समर्पयामि श्रीमन् महागणाधिपति नमः प्रतिष्ठापनार्थे अक्षतां समर्पयामि श्रीमन् महागणाधिपति नमः सृष्टार्थे अक्षतां समर्पयामि श्रीमन् महागणाधिपति नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयो अर्घ्यं समर्पयामि आश्वनीयं जलं समर्पयामि श्रीमन् महागणाधिपति नमः पुनः प्रतिष्ठापनार्थे अक्षतां समर्पयामि
श्रीमन महागणाधिपति नमः विलपनाति चंदनम सरयामि ओम गणेशंबिकाय नमः गणेश गौरे नमः ओम मा विलपनाति चंदनम सरयामि श्रीगंडं चंदन दिव्यं गंडाद्योष मनोरम विलपनं सुदृष्टं चंदनम प्रतिगुरितं श्रीमन महागणाधिपति नमः विलपनाति चंदनम सरयामि श्रीमन महागणाधिपति नमः सुरसौभाग्य द्रव्याणि सरयामि दुर्वांग्रभावे बिलतो द्रभावे पुष्पभावि अक्षतां समर्पयामि श्रीमन् महागणाधिपते नमः यथालाभ शर्करा नैवेद्यं समर्पयामि शर्कराखण्डकार्याणि दधिष्कृतानि च आहारपचुजं च नैवेद्यं प्रजाम शर्करा नैवेद्यं श्रियामि श्रीमन् महागणाधिपते नमः गणेशगौरेभ्यं नमः नैवेद्यं श्रियामि ओं प्राणाय स्वाहाय स्वाहाय स्वाहा उदनाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः नैवेद्यं श्रियामि मध्यपाणियं श्रियामि उत्तरापोषणं श्रियामि अस्त्रप्रक्षालनं श्रियामि मुखप्रक्षालनं श्रियामि चन्दनेन कृतदनं समर्पयामि श्रीमन् महागणाधिपते नमः गणेशगौरे नमः चन्दनेन कृतदनं समर्पयामि मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि हरि ओम ओम नमो गणेभ्यो गणपतिवे शवो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातिपतिवे शवो नमो नमो ग्रहेभ्यो ग्रहस्पतिवे शवो नमो नमो वीरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो शवो नमः इगन्ताल्मे उरुण्डादिमै तन्नो दन्ति प्रचलयाद श्रीमन्महागणाधिपति नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि अथ प्रातः नमस्कारं समर्पयामि विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलज्ञकलिताय नागाननाशिनि विभूषिताय गौरीसुताय कृणाथ नमस्ते लंबोदरं नमस्तुभ्यं सदा मृगप्रियान् निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा श्रीमन्महागणाधिपते नमः सर्वचारादि प्रातःनमस्कारान् समर्पयामि अनिराजन सिद्धिविदाय महागणपते प्रियतां नमः अथ पृथ्वीपूजनं च करिष्ये ओं पृथिव्ये नमः स्नानं करयामि ओं धराय नमः ओं स्कंदादि कुर्मादि आवाहित पृथिव्ये नमः स्नानं समर्पयामि ओं भूमे नमः विलेपनाथ्य चंदनं समर्पयामि भूमे नमः विलेपनाचंदनं समर्पयामि सौभाग्य द्रव्याणि समर्पयामि पुष्पभावे नानद पत्रभावे अक्षतां समर्पयामि पृथिव्ये नमः हस्तं प्रक्षाल्य ओं पृथ्वीदासलोकादिवित्वं विष्णुदातुं चारां मां देवीं पत्रं चासनं समुद्रवस्थे देवे परदास्तरमण्डले विष्णुवद्यं नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं शमसमेः ओं महेदन्नो कृतान्नो हरिमभिः अथ दिग्रक्षणं च करिष्ये ओं अपसरवन्तु ये भूता ये भूता भूमि संस्थाः ये भूता विघ्नकर्तास्ति गच्छन्तु शिवान्नया अवत्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वदोषं सर्वेषां विरोधेण पूजा कर्म समारभेद ओम इंद्राय नमः अग्नये नमः यमाय नमः निरुत्ये नमः वरुणाय नमः वायव्ये नमः कुबेराय वायवे कुबेराय नमः ईशानाय नमः ब्रह्मणे नमः अनंताय नमः नमस्कारं समर्पयामि त्रिषष्ट महाकाय कल्पांधर भैरवायन सुभ्य अनज्ञातमर्षे ओम ताडन्न भूमे नमः वामपादं भूमिं त्रिवारं ताडयेत ताडन्न भूमे नमः स्नानं समर्पयामि विलपनार्थे चंदनं समर्पयामि सर्वोपचाराध्यक्षतां स्मर्यामि त्रिंशत् महाकाय कल्पान्धारो भैरवानुस्तुभ्य अनुज्ञातं महर्षेः मम ताडन्नभैम प्रातःस्कारान् समर्पयामि अथ उदकोपस्पर्शः ओम देवाः आयान्तु यान्तु धानाः अपयान्तु विष्णोः रक्षस्वं भूमौ प्रादेशं कृत्वा पुनः उदकोपस्पर्शः सर्वे पवित्रनाभ्यक्ष्य ओम अपवित्र पवित्रवा सर्वांसां गतिविवा यस्मद् भण्डरेकाक्षं समायाभ्यन्तरं श्री सर्वं श्री भण्डरेकाक्ष पुनाधु अथ दीपपूजनं च करिष्ये ओं कर्मसाक्षिणे दीपनाथाय नमः घृतदीपाय नमः अज्जदीपाय नमः विलपनाति चंदनं समर्पयामि ओं भूदीप ब्रह्मरूपस्वं ज्योतिष्यं प्रब्रव्यः आरोग्यदिं पुत्रांश्च सर्वकामानां प्रेक्षमे यात् पूजां समाप्तस्यं तावत्त्वं सन्निधौ सुश्रुतौ भव ओं कर्मसाक्षिणे दीपनाथाय नमः सुचाराध्यक्षतां समर्पयामि कर्मसाक्षिणे दीपनाथाय नमः प्रातःनमस्कारां समर्पयामि ओं चन्द्रमा मनसौ जात चशोः सूर्योजायत श्रोत्राद् वाश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायतः ओं ह्रीं रत्नेश्वरे नमः ज्वालामालिन्ये नमः कर्मसाक्षिणे दीपनाथाय नमः प्रातःनमस्कारां समर्पयामि शिवं करोति कल्याणम् आरोग्यं धनसमदा शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिः नमोऽस्तुते दीपज्योति परब्रह्म दीपज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पाप दीपज्योतिर्नमोऽस्तुते कर्मसाक्षिणे दीपनाथ नमस्कारान् श्रयामि अन्यदाचन प्राथमिकता पूजन अर्घ्यन प्रियता प्राथमिकता दीपपूजन प्रियतान् नमः अथ सनक सनन्दो जय जयादि शंकस्त गुरुसघंटाय तथा शंकस्त वरुणदेवता स्मरण पूजन च करिष्ये अथ शंखोदक स्मरण करिष्ये ओम आ पांच यज्ञाग्नि पामानाय धीमि तन्नो शंख प्रदयात
हरि ओम रुद्रदेयाहे विद्महे मेकलसूताय धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात्। ओम जगदम्बा नर्मदेश्वरे नमः। ध्यायामि ध्यानार्थे अक्षतां समर्पयामि। ओम तद्वृषादमहे मेकलकन्याय धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात् इति आवाहयामि। इति आवाहनार्थे अक्षतां समर्पयामि। आगच्छ देव देवेशो तेजो राशि जगद्वे क्रियमाणा मया पूजा गृहान श्रुतमा। ओम नर्मदेश्वरे नमः। इति आवाहयामि सतशेदका गुरुकः सहस्राक्षा सदवाद सौभूमिगु सर्वतस्मृत्वा त्यतिदशाङ्गुलम् इति आवाहयामि। ओम पुरुष एवेदगु सर्वं यद्भूतं दतिभव्यम् उतामरे ततशेषानो जदन्नेनातिरोहदेः। ओम जगदम्बा नर्मदेश्वरे नमः। रेवाय नमः। आसनस्थाने श्रान् स्मरामि। नागनारत्न समायुक्तं कार्तरश्रीभुजम् आसनं देवदेवेषु वृत्त्यर्थं प्रतिगृहीतम् इति आसनं स्मरामि। आसनस्थाने अक्षतां स्मरामि। ओम नर्मदेश्वरे नमः। पादयोः पाद्यं स्मरामि। एतावान् महिमात्मज्यां व्याश्चुरिकाः पादसुरिश्वा भूतानि त्रिपादस्या मृतन्दिवे। ओम तद्विषादमे मेकलकन्याय धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात्। ओम रुद्रदेयाय धीमहि मेकसूताय धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात्। ओम नर्मदेश्वरे नमः। पादयोः पाद्यं स्मरामि। ओम ततो द्विराज्यद्वा सजातु उत्योरिच्छतो पश्चादो भूमिमुतो पुराः। ओम नर्मदेश्वरे नमः। इति हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि। अर्घ्यान्ते आचमणीयं जलं स्मरयामि। स्नानीयं जलं समर्पयामि। स्नानीयं जलादे आचमणीयं जलं स्मरयामि। ओम नर्मदेश्वरे नमः। अथ अभिषेकं कुर्यात्। अभिषेकपूर्वकं विलेपनाति चन्दनं समर्पयामि। सकलसौभाग्यद्रव्याणि समर्पयामि। अथ अभिषेकार्थे हस्ते अक्षतां धारित्वा हरि ओम गणानन्द्वा गणपतिगवामे प्रियानन्द्वा प्रियपतिगवामे निरेनन्द्वा निरपतिगवामहे वसो मम अहमजानि गर्वद्वात्मजासि गर्वदम्मा। ओम भ्रवस्वः। ओम हिरण्यवर्णाभरिणीं सुवर्णरसदां चन्द्रां हिरण्यमिं लक्ष्मीं जातवेदुमाव तम् अव जातवेदो लक्ष्मीमनुगामिनीं यस्यामिरमिन्द्रियं गामश्वं पृषाणम् अश्वपूर्वामृमाद्यामसिनाथ प्रबोधिनीं शिं देवीं शरीरमाजिजम् कांसोजिनामिरन्नुराकारमाजराञ्जं दिं गुप्तां त्रिविधिं पद्मेशां पद्मवनां ताम्योपवेशम् चंद्रां प्रभासां श्रियाञ्जं किं श्रियं लोकेशुन्दरान्तां पदवीं वृद्धि उल्लक्ष्मीमे निषदान्तामरणे आदित्यवर्णे तपसो यातो वनस्पतिदोषविदवः तस्य फलानि रुदन्तुमायन्तरायच्वाय्यलक्ष्मी उपयितुमां देवसखकीर्तिश्च मणिना स प्रादुर्भूतो सुराष्ट्रसुनकीर्तिं वृद्धिं ददामि मे शुक्तिवासां मलं जष्टं लक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिम् असमृद्धिं च सर्वां निर्मेघवाद गन्धवारां द्राधर्षां नित्यविष्टां कृशिनीम् ऐश्वर्यं सर्वभूतानां ताम्योपवेशम् मनसकाममाकुंत्यं भासत्यवशीमहि पशूनां रमण्यश्च मयि श्रीशेदाविषः कृतमेन्वजाभूता मयि सम्मवन्म श्यं वासमे कुले मात्र पद्ममालिनीम् आपतन्तु विघ्नानि चिकितोषमे एव निवात्रं शं वासमेकुले आद्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्मालिनीं चन्द्रां हिरण्यमिं लक्ष्मीं जातवेदुमाव आद्रां यक्रिणीमिष्टिं स्वर्णां हिमालिनीं सूर्यां हिरण्यमिं लक्ष्मीं जातवेदुमाव तम् अव जातवेदो लक्ष्मीमनगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रबुदं गाहोदाश्वानन्देयं पृषाणम् यश्चुचि प्रयतु बुद्वा जूयाब्दाज्यमनमा सुक्तं पञ्चदशदं च श्रीकामसदं च वेद। ओं पद्मानने पद्मोरु पद्माक्षि पद्मसंभवे तन्मे भस्मासीन सुख्यं लभाम्यहम् अश्वदाये गोदाये धनदाये महादिने धनं मे जिषां देवे सर्वकामाश्चिह्ने मे। ओं पद्मानने पद्मवि पद्मप्रिये पद्मददाये विश्वप्रिये विश्वमुखे तद्वाद्यपद्यं मयि सन्न्यस्व पुत्रपौत्रं धनं धान्यं हस्तश्वागरुदं प्रजानं भवसि माता ऐश्वन्तं कृत मे। धनमग्नेन धनं वायुर्धनं सूर्योधनमसौ वैनतीय स्वमं पिबा स्वमं पिबतु रुद्रः स्वमन्दनीयामय्यं ददात् स्वमिनः न क्रोधनमाचर्य नो लोभो नाश्वादे पुण्यानां भक्तानां शुद्धं च विद सरसिजिने सर्जहस्ते धरान् शुभ शुभन्न
चंद्रमाशोभे भगवती वटिवल्लभे मनोदने त्रिभुजगारिवसमयम् विष्णुवत्यं शिखमां देवीं माधवीं माधवप्रियां लक्ष्मीं सुखं देवीं नमामिच्छदवल्लभां महालक्ष्मीचिद्भये विष्णुवत्नीं चिदीमहि तन्नो लक्ष्मीप्रियाद श्रीवर्चस्वमायुषमारोग्यामिदाविषादिमते धान्यं धनं पशुं भद्रावर संवत्सरं दीर्घमायुः ॐ तदवृषादिमहे मेघलसूताय धीमहि तन्नो रेवाप्रियाद ओम रुद्रदेहाय धीमहि मेघकन्याय धीमहि तन्नो रेवाप्रियाद ओम तदवृषादिमहे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयाद ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोदिकवे नमः बाहुभ्यं मुदिते नमः ओम पाशस्ताद्मे निर्विशादिमे तन्नो वरुण प्रचोदयाद ओम गंगेश्यम निश्चैव गोदावरी सतते हनुमे सिंधु कावेरी जलस्तिमं सन्निधिं कुरु ओम दौः शान्ति अन्तरिक्ष शान्तिः पृथिवे शान्तिरापः शान्ति ओकदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्ति ब्रह्म शान्तिः सर्वगो शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि यतो यतः समीहते ततो न अभयं कुरु शन्नः पुरुप्रजापे अभयन्नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु सर्व अरिष्ट शान्तिर्भवतु ओं नर्मदेश्वरे नमः इति अभिषेकार्थे अक्षतां समर्पयामि अभिषेकं सम्पूज्य ओं नर्मदेश्वरे नमः रेवाय नमः इति अक्षतां समर्पयामि ओं अथ सर्वोपचारार्थे वस्त्राध्यक्षतां समर्पयामि सर्वभूषादिके सम्ये लोकलज्जा निवारणे मयोपवादितदभ्यं वासते प्रतिविदाम् ॐ नर्मदेश्वरे नमः ॐ देवाय नमः मेकलसुताय नमः वस्त्राध्यक्षतानि समर्पयामि अथ विलिपनाते चन्दनं समर्पयामि गन्धद्वारां द्वादशामृत तुष्टां कृष्णे ईश्वरेण सर्वभूतानां ताम्योपवेशजम् ओम नर्मदेश्वरे नमः जगदम्बाय नमः विलपनाथ चंदनम समर्पयामि सकल सौभाग्यद्रव्याणि समर्पयामि चंदनश्च मात्पन्नम पवित्रमं पापनाशनम आपदामर्ति नित्यं लक्ष्मी करोतु सुखसंपदाम ओम नर्मदेश्वरे नमः विलपनाथ चंदनम समर्पयामि श्रीकण्ठं चंदन दिव्यं गंडार्धसुमरं विलपनसकलश्रेष्ठं चंदनम प्रतिवृतम ओम रेवाय नमः जगदम्बाय नमः विलपनाथ चंदनम समर्पयामि सर्वसौभाग्यद्रव्याणि सरयामि हरिद्रं संयुक्तं कुमकुदं कामदायकं वस्त्राङ्कारमुख्यादिं देवेत्वां प्रतिदां हरिद्रं कुमकुदं सौभाग्यद्रव्याणि सरयामि पुष्पार्थे अक्षतान् समर्पयामि बिल्वोत्राध्यक्षतान् समर्पयामि सेवन्तिका बबलचम्बकपाटलाब्जैः पुन्नागजादिकरविरसालपुष्पैः बिल्वप्रभासिमारसेवे स्वां पूजयामि विश्वरि मे प्रसीद ॐ नर्मदेश्वरे नमः बिल्वोत्रभावे पुष्पभावे अक्षतान् समर्पयामि ओम नर्मदेश्वरे नमः रेवाय नमः धूपमाग्रयामि दीपं च दर्शयामि वनस्पति सद्भूतो गंधाक गंधतमः आग्रसो देवानां धूपोयं प्रतिवृतम् ओम नर्मदेश्वरे नमः धूपमाग्रयामि दीपं च दर्शयामि अज्ञात दीपानि दर्शयामि ओम नर्मदेश्वरे नमः नर्मदेश्वरे नमः यथा लाभ गुडुपकारो नैवेद्यं सरयामि ओम प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा वेणाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे नमः नैवेद्यं सरयामि ओम रेवाय नमः मध्यपानं सरयामि उत्तरापोषणं सरयामि सुरक्षालनं सरयामि चंदनेन कृतदनं समर्पयामि नर्मदेश्वरे नमः चंदनेन कृतदनं समर्पयामि अथ कुलस्वामिनी आवाहनं तथा कुलदेवता आवाहनं करिष्ये हरि ओम अश्वमेध सहस्रिषु वाचपिषदानि च कृशमुपुसां रेणुका शशनात शीर्षजे लक्ष्मीजन्या अहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्याप्तं कृष्णन्निकान मम्मैकान सर्वलोकम् इकानः ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमः इति कृष्ण सौशिकान् सुगान् तां बीलवासिनीं श्री महाकाली महालक्ष्मी महास्त्रिराजराजेश्वरी कुलस्वामिनि महारुगढ़निवासिनी रेणुकाय नमः आवाहयामि कुलचिकम्बाय नमः प्रतिष्ठापनाध्यक्षतां समर्पयामि अथ विलपनाति चन्दनं स्मरयामि कुलस्वामिने नमः रेणुकाय नमः परशुराम जनने नमः जमदग्नि भार्याय नमः या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपिण संस्था नमस्तस्य 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 नमो नमः नमो देवे महादेवे शिवाय सदैव नमः प्रभुते भद्राय नियतां प्रदासनम्
कुलस्वामिनी जगदम्बा रेणुकाय नमः आवाहयामि प्रतिष्ठापना दक्षिणा द्रयामि विरमणा चंदन द्रयामि सुसौभाग्य द्रव्याणि समर्पयामि धूपम आग्रयामि दीपम च दर्शयामि यथालापणे विद्यं समर्पयामि ओम प्राणाय स्वाहाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा प्राणाय ब्रह्मणे नमः निविद्यं द्रयामि मध्यपानं समर्पयामि उत्तरापोषणं द्रयामि सुरक्षालं द्रयामि मुखप्रक्षालनं द्रयामि चंदनेन कृतवर्तनं समर्पयामि कुलस्वामिनी रेणुकाय नमः चंदनोदयामी प्राथमस्कार सुरियामी या दिव्य सुभूत सुशक्ति संस्था नमस्तस्य 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 नमो नमः ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली ग्वालिनी दुर्गाशमा शिवदात्री स्वाहा सुधा नमो सदे अति प्राथमस्कार सुरियामी गुरुतत्तात्रे आवाहन करिष्ये हरि ओम गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरान गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः ओम दिगंबरान मे अद्भुतराय धीमहि तन्नो दत्तप्रतिदाद गुरुदत्तात्रेयाय नमः आवाहयामि हरि ब्रह्म हरिहरात्मक त्रिगुणात्मक स्वरूपाय गुरुदत्तात्रेयाय नमः आवाहयामि प्रतिष्ठापनाध्यक्षतां समर्पयामि गुरुदत्तात्रेयाय नमः विलेपनादि चंदनं समर्पयामि श्रीखंडन चंदन दिव्यं खंडाद्यो समनारं विलपन सदृष्टं चंदनं प्रतिगुरियताम् मां गुरुदत्तात्रेयाय नमः विलपनाते चंदनं समर्पयामि गुरुदत्तात्रेयाय नमः सर्वोचारादि पुष्पभावि त्रिसूत्रभावि विलोत्रभावि अक्षतां समर्पयामि गुरुदत्तात्रेयाय नमः यथालाभणे धूपमाग्रयामि दीपं दर्शयामि यथालाभणे विद्यं सुरयामि ओम प्राणाय स्वाहाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा अपना स्वाहा ब्रह्मणे नमः निविद्यं सुरयामि मध्यपानीयम् उत्तरापोषणम् वस्त्रक्षालनम् मुखक्षालनम् सुरयामि गुरुदत्तात्रेयाय नमः विलपनादि चंदनं समर्पयामि अथ गुरुदत्तात्रेयाय नमः प्रार्थनस्कारं सुरयामि गुरु ब्रह्म गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरान् गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः ओम दिगंबरान्मे अत्रुत्राय धीमहि तन्नो दत्तप्रतिदाद हरि ओम ओम नमो भगवते दत्तात्रेयाय स्मरणमात संतुष्टाय महाभय निवारणाय महाज्ञानप्रदाय चिदानन्दात्मने बालन मधुशाचवेशाय महायोगिनी अवधूताय अनुसूयानन्दवर्धनाय अत्रिपुत्राय ओम भवन्द्योमचनाय अमंसा साधनाय ह्रीं सर्वबुद्धाय कृपसादृशनाय एं वाक्प्रदाय क्लीं जगत्रयवशकरणाय सौः सर्वनिशमनाय श्रीं महासम्प्रदाय ग्लौं भवमण्डलाधिप्रदाय द्रं चन्यमणे वशर वशिगुरु वशिगुरु वौषट आकर्षय आकर्षय ओं विद्वेषय विद्वेषय फट उच्चार्य उच्चार्य ठाठ स्तंभय स्तंभय खें खें मार्य मार्य नम संपन्नम संपन्नम स्वाम पोषय पोषय परमंत्रम परयंत्रम तंत्र परतंत्राणि छिन्दन्ति ग्रहण निवारय निवार व्याधिं विनाश विनाश्य दुःखम हर हर दारिद्र्यम विद्राव्य विद्राव्य देहं पोषय पोषय चित्तं तोषय तोषय सर्वमंत्र स्वरूपाय सर्वयंत्र स्वरूपाय सर्वतंत्र स्वरूपाय सर्वपल्लव स्वरूपाय ओम नमः महासिद्धाय स्वाहा अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त ओम नमः दत्तात्रेयाय स्मरणनाथ संतुष्टाय महाभय निवारणाय महाज्ञानदाय चिदानंदात्मने बालुमदशाच वेशाय महायोगिनी अवधूताय अनुसूयानंदवर्धनाय अत्रिपुत्राय ओं भवन्द्योमचनाय आमसाधनाय ह्रीं सर्वबुद्धाय कृपसादृशनाय एं वाक्प्रदाय क्लीं जगदर्शकनाय सौः सर्वनिशमनाय श्रीं महासम्प्रदाय ग्लौं भवमण्डलाधिप्रदाय द्रां चिरञ्जीवने वशर वशिगुरु वशिगुरु वौषट आकर्षय आकर्षय ओं विद्वेषय विद्वेषय फट उच्चार्य उच्चार्य ठा ठा समय समय खें खें मार्य मार्य नम संपन्नम संपन्नम स्वहं पोषय पोषय परमंत्रम परयंत्रम प्रतंत्राणि छिन्द छिन्द ग्रहण निवारय निवारय व्याधिन विनाश विनाशय दुःखम हर हर दारिद्र्यम विद्राविद्राय देहं पोषय पोषय चित्तं तोषय तोषय सर्वमंत्र स्वरूपाय सर्वयंत्र स्वरूपाय सर्वतंत्र स्वरूपाय सर्वपल्लव स्वरूपाय ओं नमः महासिद्धाय स्वाहा अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त इति गुरुदत्तात्रेय अर्पणमस्तु ओं द्रं चिन् ओं द्रं दत्तात्रेयाय चिरञ्जीविने नमः अथ दंडपूजन चे ओं दंडाय नमः स्थान समर्पयामि ओं दंडाय नमः विलपनाति चंदन समर्पयामि ओं दंडदाय नमः रक्षणकर्ताय नमः विलपनाति चंदनं समर्पयामि सर्वसौभाग्यद्रव्याणि समर्पयामि
ओम रक्ष दूताय नमः दंडाय नमः प्रार्थनस्कारान् समर्पयामि। अथ नर्मदाष्टकम्। सिंधु सिंधु सुष्कल तरंग रंग भंजितं द्विशस्व सुता प्रजात जात कारि वारि संयुतं कृतांत दूत काल भूत भीतिहारि वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे त्वदम्बुलीन दीन मीन दिव्य संप्रदायकं लोम लोक भारहारि सर्व तीर्थ नायकं सुमस्य कच्छ नक्र चक्र चक्रवाक शर्मले त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे महागभीर नीर पूर पाप धूत भूतलं ध्वनः समस्त पातकारि दारिता पदाचलं जगल्लये महाभये मृकण्ड सोनु हरमले राजीववाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे गतं तदेव मे भयं तदम्ब वीक्षितं यदा मृकण्ड सोनु शौनकासुरारि सेवि सर्वदा पुनर्ववाद्य जन्म जन्म लाभ्य दुःख वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे अलक्ष लक्ष किन्नरामरासुरादि पूजितं सुलक्षणीरधीरधीर पक्षि लक्ष पूजितं वशिष्ठ शिष्ट पिप्पलाद कर्दमादि शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे सनत्कुमार नाचिकेत काश्यपादि षट्पदे त्र्यम्बकेय मानसेषु नारदादि षट्पदे रविन्दुरन्ति देवदेव राजकर्म शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे अलक्ष लक्ष लक्ष पाप लक्ष सार सायुधं ततस्तु जीव जन्तु तन्तु भुग्धि मुक्तिदायकं विरंचि विष्णु शंकर स्वकीय धाम वर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे अहमृतं स्वनं श्रुतं महेश केश जातटे किरात सूत वारवेषु पंडितेश केनटे दुरंत पाप ताप हारि सर्व जन्तु शर्मदे त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे इदं तु नर्मदाष्टकं त्रिकालमेव ये सदा पठन्ति ते निरन्तरं नयन्ति दुर्गति कदा सुलभ्य देह दुर्लभं महेश धाम गौरवं पुनर्भवान्ति गौरवं त्वदीय पाद पंकजं नमामि देवि नर्मदे नमामि देवि नर्मदे नमामि देवि नर्मदे तुंतु दुषादि मे कृण्याजि तन्नोरे वाग्यादो मृतदयादि मे सुदाजि तन्नो प्रेवा प्रचोदयाद ओं दुर्जाद मे महादेवादि मे तन्नो रुद्रयाद ओं पाशास्तादि मे नीलवृषादि मे तन्नो वृण प्रचोदयाद इति प्रार्थनस्कारान् समर्पयामि। ओम श्रीं रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्रीं रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः दुर्गे सुदाहर्षि भीतिमशेषदन्त स्वस्ति सुब्रां प्रतिपदिं शुभां दासि धातुक्रयहारिणि एकादुधन्य सर्वकारकर्णा सदराधिचित्ता ओम श्रीं रीं श्रीं कमले कमलाले प्रसिद्ध प्रसिद्ध ओम श्रीं रीं श्रीं महालक्ष्मी नमः। हरि ओम मा मध्ये सुदाब्धि मणिमंडित रत्न वेदां सियासनो परिगतां परिवीत वस्त्रां भ्राम्यागदां करिणि पैवित वैरिजिह्वां पीतांबरां कनवल्लिं नमामि। ओम लिम बगलामगे सृष्टानां वाचं मुखं पदं समय जिह्वां किलेवधि विनाशय लिम ओम स्वाहा ओम सम्मिलितमे बगलामगे देवै तन्नो देवी प्रचोदयाद ओम सुदर्शनाय महे महाज्वालाय धीमहि तन्नो चक्रुजाद ओम नारायणाय महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयाद इति सुरसात्मक विष्णवे नमः नमस्कारं श्रीयामि लिम बगलामगे नमस्कारं समर्पयामि। अथ आराधिक्यम संपुट मंत्रांच्या आधी आहे। ओम सिद्धकन्यकासुद्रम्मा कुलसंयम्बारिनुका वृत्त्यर्थं पाठक्येन कर्मणि
ओम शिववाच शृणुदेव रेष्यामि स्तोत्रमुत्तमं येन मन्त्र प्रभावेन चण्डिजापा शुभभूयत न कौचं न गलाघुसूत्रं किलकं न सुरगकं न सुक्तं न विज्ञानं च न न्यासो न च वाचनं कुञ्जिका पाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत अधि गृहं तरं तरं देवी देवानामपि दुर्लभं गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयनीरो पार्वती मारणं भुवनं वश्यं सम्पूर्णं चक्रनादिकं पाठमात्रि संसिद्धते कुञ्जिका स्तोत्रमुत्तमम् अथ मन्त्रः ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डा विच्चे ओं ग्लूं हुं क्लीं जुं स्वाहा ज्वालाय ज्वालाय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डा विच्चे ज्वल हं सं लं षं फट् स्वाहा इति मन्त्रः नमस्ते रुद्र रूपेण्ये नमस्ते मधुमजने नमः कैटभ हिरण्ये नमस्ते महिषामिनि नमस्ते शुभहस्ते च निशुम्भं सुरगारिणि जागृतिमि महादेवीं जपं सिद्धिं कुरुष्मे किङ्कारि दृष्टरूपाय हिङ्कारि प्रतिवारिका किङ्कारि कामि रूपिणे बाह्यरूपे नमस्ते चामुण्डे चण्डघादे च एकारि वरदायिनि विच्चे चावयानित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिण्ये ह्रां दीं धुं धुजडे पत्नीं वां बिम्बं वागिनेश्वरि ह्रां क्रीं कुरुं कालिकादेवी श्यां श्रीं श्रीं शुभं कुरु हुं 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 कारुरूपिण्ये जं 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 वनन्दिनि ह्रां ब्रीं ब्रूं वरे वरे वाने ते नमो नमः अं गं जं टं टं सं यं शं विं दुं ऐं विं हं शं द्विजाग्रं द्विजाग्रं त्रोडय त्रोडय दीप्तं कुरु 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 स्वाहा ीं पुं पार्वतीं पूर्णां खां खीं खुं खेचरितदा सां सीं सुं सत्या देवीं मन्त्रसिद्धिं कुरुष्वमे इदं तु कुञ्जिका स्तोत्रं मन्त्रजागृति हेतवे अभक्तेन दत्वां रक्ष पार्वती यस्तु कुञ्जिकायै पठेत न तस्तजातिसिद्धारण्ययुतना इति श्रुद्रमायामले गौरी पार्वती संवादे कुञ्जिका स्तोत्रं जगदम्बार्पणमस्तु अथ आर्दिक्यम् इसको डाल के आती और आपके लिए चाकू और वो लेखा ओम जय जगदानंदे हमया जय आनंद कंदे ब्रह्मा हरि हर शंकर रेवा शिव हरि शंकर रुद्री बालंदे ओम जय जगदानंदे देवी नारद शारद तुम वरदायक अभिनव पद चंडी हरिवा अभिनव पद चंडी सुर नर मुनि जन सेवत सुर नर मुनि जन धावत शारद बदवंती ओम जय जगदानंदी देवी धूम्रक वाहन राजत वीणा वादयति हरेवा वीणा वादयति झुमकत 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 जन नन जन नन जन नन रमति राजन्ति ओम जय जगदानन्दे देवी नारद ताल मृदंग सुरमंडल रमति हरे वा सुरमंडल रमति तोड़ितान 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 तुरड़ 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 रमति सुरवंदे ओम जय जगदानंदे देवी सकल भुवन पर आप विराजत निषदिन आनंदी हरेवा निषदिन आनंदी गावत गंगा शंकर सेवत रेवा शंकर तुम भव मेटंती ओम जय जगदानंदी मैया जी को कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती हरेवा अगर कपूर बाती अमर कंठ में विराजत घाटन घाट पूजावत कोटि रतन ज्योति ओम जय जगदानंदी मैया जी की आरती निशदिन जो कोई पढ़ गावे
पुरेवा जुगा जुगा जन गावे भजता शिवानंद स्वामी जपता हरे हर स्वामी मनवांचित फल पावे ओम जय जगदानंदे ओम जय जगदानंदे मैया जय आनंद कंदे ब्रह्मा हरि हर शंकर रेवा शिव हरि शंकर रुद्रिवालंदे ओम जय जगदानंदे ओम अग्नि देवता वातो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता आदित्य देवता मरुतो देवता विश्वे देवस्त बृहस्पतिं वरुणो देवता ओम चंद्रमा मनसो जात चशो सूर्यो जात शोदा दश प्राण शिव मुखाग्नि रजायत ओम नर्मदेश्वरे नमः इति आर्दिक्यं समर्पयामि जलेन शीतं दीपं धरयामि देवानां देवा अभिवंदन मंत्रवश्चात् आत्मानां आत्मा अभिवंदनम् देवीनां देवीवंदनम् तवश्चात् आत्मानाम आत्मा अभिवंदनम् ओम अम्बे एक करी उदासन करी भक्तासी हाटे धरी विघ्ने दूर करी सुधर्म धरी दारिद्र माजे हरी चित्ति मूर्ति परी वरा भय करी ध्यातो तुला अंतरी वाचा शुद्ध करे विलंबन करे पावे त्वरे सुंदरे माते एक विरे वरा भय करे दे तू दया सागरे माजा हेतु परे मनात नवरे संदेह माजा हरे जेने पाप सरे कुबुद्धि सुरे ब्रह्म कि दरिद्रंजरे दे पूर्ण करे भाव दिदरे ऐसे करावे दरे अनाजासी अम्बे नुकु विष्णु हो हो संसारी संग कैसा दुरु हो अन्यायी में तुझे ले पुरु हो नकोरे नुके धन्य माजे परु हो मुक्तां प्ले कुमकम वाण लागे संधे वतारा निकनेवती श्रीमोण पीटा चल जोड़िकाया तामेक वीरा शरणम प्रबद्धि सके दुखिताला नुकु दुखु दिना बालका दे नुकु मुगुलु प्रजार श्री आपुल्या श्री भवानी ही प्रार्थना एकोणि केवल्य जानी जगम्बारी नुका माता के जय ओम हरम हरि हरिश्चंद्रम हनुमंतम मलायुधम पंचकम स्मरि नित्यम घोर संग्रहनाजलम ओम हरम हरि हरिश्चंद्रम हनुमंतम मलायुधम पंचकम स्मरि नित्यम घोर संग्रहनाजलम मृत्युंजय रुद्रायणी कंठाशम वे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय नमः श्री मृत्युंजय महारुद्र त्राहि माम शरणागत जन्मृत ज्वर व्याधि पीड़ितम कर्मदनी ओम उमापति महादेव की जय सब संतन की जय समर्थ सद्गुरु श्री गजानन महाराज की जय सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदे हर नर्मदा पथ परिक्रमा अंगभूत यथाशक्ति यथासांगेन मानस उपचार रेवा महाभिषेक पूजन प्रियतां नमः न्योना त्रिदोष परिहारात द्वादश वार्षिकम् एकादश वार शिव स्मरणं करिष्ये ओम शिव विष्णुनामात् परिपूर्णमस्तु अस्तु परिपूर्णाः अवहं न जानामि न जानामि तवाचनं पूजां च एवं जानामि स्वस्मं परमेश्वरे मन्त्रहीनं ग्राह्यहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरं यद्भुजं मया देवं परिपूर्णं तस्मै तस्सत् परमेश्वराय ब्रह्मा अर्पणमस्तु ओम तन्नो रेवा प्रचोदयात ओम रुद्रदेहाय धीमहि मेघसूताय धीमहि तन्नो रेवा प्रचोदयात